हेलो फ्रेंड, आपने ट्रेन का सफर कभी ना कभी तो किया ही होगा, और अगर आपने ट्रेन का सफर किया है तो आपने पटरी के किनारे लगे बॉक्सों को जरूर देखा होगा, और नहीं देखा तो आइए हम आपको बताते हैं। पटरी के किनारे दिखने वाले बॉक्स को एक्सल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है और इसमें एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है, जो ट्रेन के दो पहियों को आपस में जोड़कर रखने वाले एक्सल की गिनती करता है। इसे हर 5 किलोमीटर पर ट्रेन के एक्सल की गिनती की जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि जितने पहियों के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उतने पहिए हैं या नहीं। अगर ट्रेन के डिब्बे अलग हो जाते हैं तो एक्सल काउंटर बॉक्स एक्सल की गिनती करके बताता है कि ट्रेन जो गुजरी है उसमें कितने पहियों की संख्या कम है, और इससे रेलवे को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि ट्रेन के डिब्बे किस जगह से अलग हुए हैं। ऐसे में हादसों से बचने के लिए ट्रेन को समय रहते रोका जा सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।